नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। प्रो कबड्डी लीग में आज दिन का दूसरा मुकाबला पुणेरी पल्टन बनाम तेलुगु टाइटंस के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमों को इस मुकाबले में अपनी पहली जीत की तलाश रहने वाली है। बात करें तेलुगु टाइटंस की, तो इस टीम ने अपना पिछला मुकाबला तमिल तलाईवास के साथ 40-40 से ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से इस टीम के हाथ जीत नहीं लग पाई थी। वहीं बात करें पुणेरी पल्टन की, तो उन्होंने पिछले मुकाबले में दिल्ली दबंग के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा था, मगर इन सब के बावजूद भी आज के इस होने वाले मुकाबले में हाई लेवल का ड्रामा और एक्शन देखा जाना तय है। सबसे पहले बात करें पुणेरी पल्टन की, तो ये टीम पिछले कई सीजन से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पिछले कई सत्र में इस टीम ने नीचे के स्थानों पर अपना सफ़र समाप्त किया है, मगर इस साल इस टीम ने अपना रेडिंग डिपार्टमेंट काफ़ी बेहतर किया है, जिसकी वजह से आज इस होने वाले मुकाबले में इस टीम से बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। वहीं अगर बात करें तेलुगु टाइटंस की, तो आज फिर इस टीम से शानदार खेल की उम्मीद रहने वाली है। आपको बता दें कि तेलुगु टाइटंस को इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम में शुमार किया जाता है, मगर हैरानी होती है ये जानकर कि ये टीम प्रो कबड्डी का एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। मगर इस साल टीम के साथ पिछले सीजन के बाहुबली सिद्धार्थ देसाई शामिल हुए हैं। इस टीम ने सिद्धार्थ को 1.30 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि पिछले मुकाबले में सिद्धार्थ वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना कि उनसे उम्मीद की जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी आज इस मुकाबले में सिद्धार्थ एक बार फिर से अपने रंग में दिखाई देने वाले हैं। अब ये तो आज का मुकाबला बताएगा कि किस टीम के नाम आज जीत लगती है और कौन सी टीम निराश होकर घर जाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।